हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद भारत और कनाडा के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है, जिसमें NIA है, IB है, रॉ है, ATS है। इन सभी के चीफ मीटिंग में शामिल होंगे और इस मीटिंग में जो विदेश में खालिस्तानी आतंकी हैं उन सभी को ख़त्म करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। और जो पंजाब में खालिस्तानी आतंकी हैं उन सभी को ख़त्म करने के लिए NIA, IB और ATS मिलकर एक दूसरे के साथ टेरर एक्टिविटीज के इनपुट शेयर करेंगे, जिसके बाद इन पर एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, NIA है, उन्होंने 19 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, जो अलग अलग देशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दोस्तों, गुरपत पत सिंह पन्नू जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, और दूसरे जो भगोड़े खालिस्तानी आतंकी हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाएगी। निज्जर की मौत के बाद जो कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया था, लेकिन उनके पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने सोचा था कि मेरा ये कदम सही साबित होगा, लेकिन भारत ने उनको उल्टा फंसा दिया। जस्टिन ट्रूडो के साथ ना तो UK है, ना ऑस्ट्रेलिया है, ना US है, ना जापान है, कोई भी नहीं है। अब तो जस्टिन ट्रूडो के साथ उनकी सरकार भी नहीं है, वो भी खिलाफ हो गई है। वास्तव में जस्टिन ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है, अगर वो सबूत होता तो अब तक दे देते। दोस्तों, कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है। अब सरकार में दो बयान आ रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो कुछ कह रहे हैं और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। गवर्नमेंट के दूसरे महकमे भी जस्टिन ट्रूडो के साथ नहीं हैं, और अब जस्टिन ट्रूडो जो है उनके लिए इलेक्शन में भी खतरा है, वो हार भी सकते हैं। अब भारत दोस्तों खालिस्तानियों के OCI कार्ड को रोकेगा, क्योंकि जो OCI कार्ड होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसमें कुछ फैसिलिटी होती है, वो सब रोके जाएंगे, क्योंकि खालिस्तानी इस OCI कार्ड का दुरुपयोग करते हैं। अब खालिस्तानियों के रिश्ते हमेशा के लिए भारत से कट हो जाएंगे। अगर दोस्तों इंडिया पुल आउट करता है कनाडा से, यानी इंडिया ट्रेड रोक सकता है और कोई भी चीज़ें रोक सकता है, तो आप ये जानिए कि जो 68,000 करोड़ रुपए, जो कि 7.5 अरब US डॉलर है, वो केवल सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट देते हैं एनुअल पढ़ने के लिए। पंजाब के 68,000 करोड़ रुपए और 7.5 अरब US डॉलर, अगर मोदी सरकार ने या भारत किसी ने भी मना कर दी कनाडा जाने के लिए, या उनसे कह दिया जाए कि आप कनाडा नहीं जाओगे, कहीं और पढ़ सकते हो, तो कनाडा सरकार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।